अर्जुन ने कहा कि प्रभु, हमने अधिकतर भक्तों को ये सुना है कि प्रभु हमें ये प्रभु का ये स्वरूप हमें बड़ा प्यारा है, ये स्वरूप बड़ा प्यारा है। लेकिन प्रभु आप ये बताइए कि आपको कौन से भक्त प्यारे हैं, आपको कौन से भक्त प्रिय लगते हैं, कौन से भक्त अच्छे लगते हैं। अच्छा, संसार में भी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है ना कि भगवान को कैसे लोग अच्छे लगते हैं, भगवान को कौन अच्छा लगता है। हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, तो वहां पे हम प्रभु को तो देखते हैं कि ये प्रभु अच्छे लगते हैं, हमें महादेव अच्छे लगते हैं, हमें राम जी अच्छे लगते हैं, हमें कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, हमें माता रानी अच्छी लगती हैं, और नाना प्रकार के मनोरथ उनसे करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि प्रभु को कौन अच्छा लग रहा है? वैसे तो लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, लेकिन उन लाखों में से वो कौन है जो प्रभु को अच्छा लग रहा है? अर्जुन ने भी यही पूछा है, अर्जुन जी भी यही पूछ रहे, प्रभु आपको कौन अच्छा लग रहा है? तो भगवान ने इसी बात का समाधान किया है कि मुझे कौन अच्छा लगता है। श्री अर्जुन जी ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु आपको कौन अच्छा लग रहा है, तो गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान 13 और 14 नंबर श्लोक में, यदि पूरा अध्याय ही चल रहा है उसमें भगवान बता रहे हैं, लेकिन इन 2 श्लोकों में भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई। इनमें जो भगवान ने लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को देखना चाहिए कि हम में घटित हो रहे हैं ये लक्षण या नहीं। तो आइए इसमें चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर हैं। और ऐसा भी नहीं, बहुत क्लिष्ट भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। ये जो एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए, वो गुण भगवान ने बताए हैं। कौन कौन से गुण? तो भगवान बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर् यो मद भक्तः समे प्रिय। भगवान कह रहे हैं कौन मुझे प्रिय है? कह रहे हैं जो अद्वेष्टा, जो किस जिनसे कोई भी द्वेष नहीं करता है, जो किसी से द्वेषी नहीं रख रहे हैं। देखिए, भगवान ने जितने लक्षण यहाँ पे बताए हैं ना, ये एक अच्छे मनुष्य के लक्षण हैं, एक अच्छे मानव के लक्षण हैं, जो किसी से द्वेष नहीं रखता है। ठीक इसके बाद भगवान ने क्या बताया है, सर्वभूतानाम मैत्रः, सभी जीवों का, सर्वभूतानाम जितने भी जीव हैं। अच्छा, अब यहां जीव कहने से भगवान ने बस मनुष्यों की गणना नहीं की, जीव कहने से भगवान ने मनुष्यों की भी गणना कर ली, पशु पक्षियों की भी कर ली, कीड़े मकौड़ों की भी कर ली, जो प्रत्येक जीवों से करुणा का भाव रखते, मैत्री का भाव रखते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। देखिए पहले भगवान ने क्या क्रम देखिए, पहले भगवान कह रहे किसी से जो द्वेष नहीं रखता है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रख रहा है वो मुझे प्रिय है। और इसके बाद भगवान बताते हैं जो निरहंकारी है, उसे स्वयं का अहंकार कुछ नहीं है, अहंकार से जो रहित है। क्योंकि देखिए, जहां पे आपके मन में अहंकार आ गया, तो वो अहंकार से आप किसी न किसी को दुखी अवश्य कर देंगे। आप जितने अहंकारियों का इतिहास देखिए, उन्होंने लोगों को दुखी ही किया है, क्योंकि आपके अंदर अहंकार रहेगा तो अहंकार तो प्रकट हो ही जाता है कभी ना कभी। तो जिस दिन वो अहंकार आप किसी के सामने प्रकट करेंगे, तो सामने वाले को दुख होगा। किसी को धन का अहंकार है, तो धनाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं, वो निर्धनों के पास जाके अपना अभिमान दिखाते हैं। तो जिसके पास धन नहीं, उसके सामने आप अपने धन का अहंकार दिखाएंगे, उसे कष्ट तो लगेगा ही ना। भगवान तो सब में वास कर रहे हैं। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। भगवान तो जड़ वस्तु में, जिनमें चेतना नहीं है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, उसमें भी भगवान रह रहे हैं। और कह रहे हैं जो चेतना है, जो चैतन्य, उनमें तो भगवान है ही, संपूर्ण जीव जगत में भगवान है। तो यदि आपके कारण कोई दुखी हो रहा है, तो क्या भगवान को आप अच्छे लगेंगे? यदि आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लेते आ रहे हैं, तो फिर भगवान आपको बहुत मान रहे हैं, समझ लीजिए। क्योंकि आप उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला रहे, वो प्रसन्न हो रहा है, उसकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। तो आत्मा एव परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा यदि किसी के प्रसन्न हो रही, तो बस वो नहीं, परमात्मा भी आपसे प्रसन्न हो रहे हैं।
भगवान बताते हैं कि निर्मम निरहंकार और कैसा होना चाहिए, कि दुख हो चाहे सुख हो वो समान भाव से रहे। ये नहीं कि दुख पड़े तो भगवान को अलग अलग बातें सुनाने लग जाए। संसार में बहुत घटित होता है ये। लोग मंदिरों में जाते हैं, थोड़ा सा दुख पड़ा कि नहीं कि प्रभु बताइए हम आपका दर्शन करने आते हैं, आपको रोज भोग लगाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुख आ रहा है, प्रभु से शिकायत करने पहुंच जाते हैं। और सुख आ गया तो कुछ ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं। जो समान है, भगवान कहते हैं ना द्वितीय अध्याय में कि समुद्र के समान जो है, तो ऐसे समान हो, न दुख में उसकी जल राशि कम हो, न सुख में उफान मारे हो, एकदम समान रहे। दुख और सुख दोनों में जो समान रहे वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। और क्या बता रहे हैं, क्षमावान हो, सबको क्षमा कर दे जो, और संतुष्ट हो। बहुत ज्यादा जिसके अंदर कामना होगी कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, वो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो संतुष्ट है, परमात्मा ने जो दिया है उसी में जो संतुष्ट है, वही भगवान को प्रिय है। क्योंकि देखिए, आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगी जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उस असंतुष्टि है तो असंतुष्टि शिकायत तो पैदा ही करेगी, तो वो शिकायत परमात्मा से करेंगे, तो भगवान से जाके जो शिकायत करे वो भगवान को थोड़ी ना प्रिय होगा। तो देखिए, संतुष्ट होना, भगवान ने जो दिया उसका भगवान को धन्यवाद करिए। तो ऐसे लोग भगवान कह रहे मुझे प्रिय हैं। आगे बताते हैं कि ऐसे जो दृढ़ निश्चयी हैं, और सबसे आखिरी में बताते हैं कि जो मुझ में समर्पित है, अपना सब कुछ मुझको समर्पित कर चुके हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो अब आप खुद में घटित करिए कि इनमें से कौन कौन से लक्षण आपके अंदर हैं। क्या आप भी सभी जीवों से प्रेम करते हैं? क्या आप भी किसी से द्वेष नहीं रखते हैं? यदि किसी से भी आप द्वेष रख रहे हैं अथवा किसी से भी द्रोह रख रहे हैं, तो भगवान को आप कभी प्रिय नहीं हो सकते। देखिए, लोग कहते हैं कि भाव रहे परमात्मा के प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। सही बात है, लेकिन कहने से बस वो भाव नहीं आता है। आप समझिए तो भाव है क्या। भाव यद्यपि है तो दो ही अक्षर, भ दीर्घ है, व है, लेकिन ये भाव जो है ये बहुत विस्तृत भी है, बहुत ह्रस्व भी है, बहुत छोटे में भी है, बहुत बड़े में भी है। इस भाव को समझ पाना बड़ा कठिन है, और जो समझ जाते हैं महापुरुष वो उस भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इन लक्षणों को घटित करिए अपने अंदर कि कौन कौन से लक्षण आपके अंदर है, जो नहीं है उन्हें अपने भीतर लेकर आइए। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि मुझे कौन कौन से प्रिय हैं। अब आगे भगवान श्री अर्जुन जी से और बातें बता रहे हैं कि कौन कौन भक्त मुझे और भी प्रिय हैं। ये चर्चा हम आगे श्रवण करेंगे।